खातिर, निकलो इमरान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। खान हमारा दिल हमारी जान बन गया है, कप्तान इस वतन की पहचान बन गया है। खान हमारा दिल हमारी जान बन गया है, कप्तान इस वतन की पहचान बन गया है। इमरान इस वतन की पहचान बन गया है। आया खान खान खान, आया खान खान खान, आया आया देखो इमरान खान। आया खान खान खान, आया खान खान खान, आया आया देखो इमरान खान। इस मुल्क को संभाला मुश्किल से है निकाला, खुददार बनाया। भूलेगी कौम कैसे एहसान इसका जिसने इंसाफ 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 बताया। मैं कल्ला ही काफी हूं। ये दुश्मनों के वास्ते तूफान बन गया है, कप्तान इस वतन की पहचान बन गया है। इमरान इस वतन की पहचान बन गया है। जिसके दम से इज्जत मिली है हमको है खान हमारा। हर एक हम वतन का बस एक ही है नारा, इमरान 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 हमारा। क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे हम कर दे। इंसाफ की तहरीक की ये शान बन गया है, कप्तान इस वतन की पहचान बन गया है। इमरान इस वतन की पहचान बन गया है। खान हमारा अकेला नहीं है, कौम इसके साथ खड़ी है। पीटीआई पीटीआई जीतेगी अब ये पीटीआई। इंसाफ का परचम पास है इसके, कौम का प्यार साथ है इसके। कैसी हवाएं ये चल पड़ी है, झूठ की घड़ी ये आन पड़ी। इल्जाम लगे हैं जिसपे वो साथ खड़ा है हक पे। अगर मुल्क को चाहते हो तुम बचाना, लीडर तुम सभी ये न गवाना। खान लाए रेवोल्यूशन, उसके पास सोल्यूशन। ये दौर है शैतानी, सूरते नौरानी। हक सच की पहचान नहीं है, हर कोई इमरान नहीं है। खान बन गया है, साडी जान बन गया है। लीडर ये देखो साडा इमरान बन गया है। सानू जग तो लगदा सोना, इहदे वर्गा कोई नहीं होना। पीटीआई दे नारे लग जन दोबारा रंग सज सन। तरीके इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, इमरान खान साहब की कॉल पर रावलपिंडी एहतजाज के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह जब जब इमरान खान हमें कॉल देंगे, इसी तरह ये काफिला इसी जोश व खरोश के साथ इमरान खान की आवाज़ में लबैक कहेगा। मुझे यकीन है कि अवाम का ये समुंदर जब बाहर निकलेगा तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। इस वक्त अवामी लीडर इमरान खान के साथ है और मेरे ख्याल में वही हकदार है इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का। ये हर हफ्ते के हफ्ते हमें बुलाया जाता है और ये जोश कम नहीं हो रहा, ये और बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह एक तो जो 2024 के इलेक्शन में ज्यादती हुई है, कौम 47 के आने वाली हुकूमत है, उसके बाद इस हुकूमत के आने के बाद जो महंगाई का बोझ इस अवाम के ऊपर डाला गया है, जो टैक्सों का बोझ इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर डाला है, ये बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का,
عوام پس چکی ہے, عوام چاہتی ہے کہ ہمیں عوامی لیڈر چاہیے, وہ عوامی لیڈر جو عوام کا حق کے نمائندگی ادا کر سکے, اور وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. عمران خان عوامی لیڈر ہے, قومی لیڈر ہے, انٹرنیشنل لیڈر ہے, اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. سب لوگ اس کے لیے اپنی کے لیے احتجاج کے لیے ہر ہفتے نکلتے ہیں, ہر تیسرے دن نکلتے ہیں, اور نکلتے رہیں گے انشاءاللہ.